ये है नाइट्रोजनस बेस की कहानी जो हमने अभी तक देखी। अब इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है सुगर्स। सुगर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो चलिए सुगर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आपसे कंफर्म कर लेते हैं कि नाइट्रोजनस बेस का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर है। यस सर, क्लियर है ना? कोई डाउट नाइट्रोजनस बेसिस में? ठीक है, तो सुगर्स के ऊपर बात करते हैं। सुगर्स जो होते हैं वो बेसिक तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और यहाँ पे जो ज्यादातर सुगर्स को यूज किया जाता है वो पेंटोजेस होते हैं। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन से बना हुआ सुगर। तो न्यूक्लिक एसिड्स हैव द 2 पेंटोज सुगर्स। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन से बने हुए सुगर्स, पेंटोज सुगर्स। एक होता है राइबोज और दूसरा होता है डी ऑक्सी राइबोज। अब ये राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज का क्या मतलब? राइबोज का नॉमन क्लेचर ही है, दैट इज जो है ये 5 कार्बन के बने। अब ये राइबोज मेंशन किया जा रहा, राइबुलोज मेंशन नहीं किया जा रहा। इसका मतलब कि ये जो है एल्डोजेस होते हैं। एल्डोजेस का मतलब कि जो 5 कार्बन का शुगर है उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन नहीं है, वो एल्डिहाइड है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते। इस तरीके से लीनियर फॉर्म आप शो कर सकते, और लीनियर फॉर्म में जो आप फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट का मेंशन कर रहे हैं वो CHO है। तो ये पहला कार्बन हुआ, CHO का कार्बन पहला कार्बन, उसके बाद ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो अगर आप देखें तो ये 5 कार्बन का बना हुआ एक शुगर है, और इस 5 कार्बन की शुगर में जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एल्डिहाइड है, और इसीलिए इसका नाम राइबोज जो है वो प्रसिद्ध। अब इसमें जो है इसका जो आर्किटेक्चर है वो आपके डी राइबोज मेंशन किया जा रहा है। डी राइबोज का मतलब ये है कि जो ये कार्बन या जो फंक्शनल ग्रुप आप देखते हैं, द फंक्शनल ग्रुप हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे जो सबसे दूर वाला काइरल सेंटर होता है यहाँ पे, ये कार्बन देखो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ OH ग्रुप, तीसरी तरफ ये वाला ग्रुप, और फोर्थ की तरफ ये बड़ा फंक्शन। तो दिस कार्बन, ये कार्बन जो है वो एक काइरल सेंटर है, और वो फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाला काइरल सेंटर है, क्योंकि 5वां कार्बन काइरल नहीं हो सकता क्योंकि 2 हाइड्रोजन के पास। एंड दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज द वन ऑफ, कह सकते हैं, फार्देस्ट काइरल सेंटर। और फार्देस्ट काइरल सेंटर को ढूंढा जाता है नॉमेनक्लेचर के लिए, रीजन बिंग दैट फार्देस्ट काइरल सेंटर का जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट है कि राइट है। जैसे हमने अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप को बोला था कि वो लेफ्ट है या राइट है, उससे L और D आइसोमर बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी नॉमेनक्लेचर और L और D का सेम होता है, लेकिन लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट सेम होता है। लेकिन जो हम वहाँ अमीनो देख रहे थे अमीनो एसिड में, यहाँ पे हम ऑक्सी जो कह सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखेंगे, और वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो चूज करेंगे इसमें से वो इस फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाले काइरल सेंटर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। तो वो सबसे दूर वाला लेफ्ट है कि राइट है उससे पता चलेगा कि L है या D है। ये सबसे दूर वाला काइरल सेंटर, उसका OH यहाँ पे राइट की तरफ प्रेजेंट है। अगर ये लेफ्ट की तरफ होता तो L बोलते, तो राइट की तरफ प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई ये राइबोज जो कहला रहा है वो डी राइबोज है। 5 कार्बन का बना है तो पेंटोज, इसमें एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप है तो राइबोज, अगर कीटोन होता तो राइबुलोज होता, और 5 कार्बन का राइबोज जिसमें OH ग्रुप जो है 4th कार्बन वाला वो राइट पे है तो डी राइबोज। ये एक लीनियर फॉर्म का जो है राइबोसेस जो कि यूज होते हैं खास करके न्यूक्लिक एसिड्स। लेकिन लीनियर फॉर्म में कोई भी सुगर मोस्टली प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ समझने के लिए होता है। ज्यादातर नेटिव स्ट्रक्चर में इनका कौन सा फॉर्म देखने को मिलता है? साइक्लिक फॉर्म। तो जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से नजर आते। अब ये जो रिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो एक 5 मेंबर्ड रिंग है। अगेन जैसे कि हमने आपको नाइट्रोजनस बेसिस में पढ़े थे 6 मेंबर्ड और या 9 मेंबर्ड रिंग जो कि आपने प्यूरिन और पिरिमिडिन में देखा था, उसमें सारे के सारे एटम जो थे वो कार्बन नहीं थे, तो इस वजह से उस रिंग को आप हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो रिंग आप देख रहे हैं वो 5 मेंबर्ड या 5 एटम का बन गया, तो यहाँ पे 5 एटम रिंग बन गया। अब मुझे एक बात बताइए कि इस 5 एटम रिंग में जो है वो सारे के सारे एटम कार्बन है या कोई और भी है?
एक ऑक्सीजन। तो ऐसे रिंग को आप हेटरोसाइक्लिक बोलोगे कि होमोसाइक्लिक बोलोगे? हेटरोसाइक्लिक ये भी है, तो हेटरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये स्ट्रक्चर जब पांच मेंबर्ड का बनता है तो कार्बोहाइड्रेट के टर्म में इसे फ्यूरेनोज बोला जाता है। याद रहे कि जब भी सिक्स एटम का रिंग बनता है तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पाइरेनोज, और जब पांच कार्बन का जो है रिंग बनता है तो उसको बोला जाता है फ्यूरेनोज। तो यहां पे फाइव एटम का रिंग है तो आप इस स्ट्रक्चर को फ्यूरेनोज बोलोगे या पाइरेनोज बोलोगे? क्योंकि कितने एटम है, देखो पांच ही तो है। अब इसको ध्यान से समझना, एक एटम ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन एंड पांचवा कार्बन, तो चार कार्बन एक और जो है ऑक्सीजन, तो पांच ही एटम है इस पूरे रिंग में। तो ये जो है आपका क्या हो गया, फ्यूरेनोज। तो ये चीज जो है वो मेंशन की जाती है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखो ये जो है कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर एंड यहाँ पे कार्बन नंबर फिफ्थ है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो रिंग कुछ ऐसे बन रहा है सी। और ये जो है स्ट्रक्चर आपका क्या है, फ्यूरेनोज। तो बी यहाँ पे जो बेसिक तौर पे आर्किटेक्चर था जिस राइबोस को यूज कर रहे थे वो एल राइबोस था कि डी राइबोस था? डी राइबोस का मतलब क्या है कि जो फोर्थ नंबर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट है या राइट है? राइट है। अब इसमें अल्फा डी राइबोस यूज कर रहे कि बीटा डी राइबोस यूज कर रहे? तो बीटा डी राइबोस यूज कर। अब बीटा डी का मतलब क्या है कि ध्यान दीजिए जनाब, जब जो आपका एल या डी का नॉमेनक्लेचर होता है वो एक्चुअली में होता है लीनियर फॉर्म के लिए, और अल्फा और बीटा नॉमेनक्लेचर होता है साइक्लिक फॉर्म के लिए। जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट साइक्लिक फॉर्म बनाता है तो जो ये पहला कार्बन माना जाता है द फर्स्ट कार्बन, इसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, इस एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप का जो प्रेजेंस होता है वो अपसाइड है या डाउनसाइड ये बताता है कि वो अल्फा होगा या बीटा। अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH का प्रेजेंस जो है वो डाउनसाइड हो तो ऐसे को आप बोलते हैं अल्फा आर स्ट्रक्चर, और अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH का प्रेजेंस अपसाइड हो तो ऐसे को बोलते हैं बीटा स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर में देख के बताइए एनोमेरिक कार्बन पे कि OH का प्रेजेंस अपसाइड है या डाउनसाइड है? अपसाइड। तो अल्फा बोलेंगे कि बीटा बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। तो ये डी राइबोस था पहले से ही, लेकिन जब वो साइक्लिक जो है फ्यूरेनोज बना रहा है तो वो फ्यूरेनोज में बीटा फॉर्म बना रहा है कि अल्फा फॉर्म बना रहा है? बीटा फॉर्म बना रहा है, इसीलिए आप इसको बोलते हैं बीटा डी राइबोस, क्योंकि OH जो है अपसाइड है दोनों से। तो राइबोसेस में बीटा डी राइबोसेस या बीटा डी डी ऑक्सी राइबोसेस दोनों से। अब यहां मेंशन किया गया कि बीटा डी राइबोस इन आरएनए एंड बीटा डी डी ऑक्सी राइबोसेस इन द डीएनए। अब डी ऑक्सी का मतलब होता है कि किसी एक ऑक्सीजन की कमी होना। अब वो ऑक्सीजन रिमूव होता कहां से राइबोस और डी ऑक्सी राइबोस में, तो उसका जरा ध्यान दीजिए। नंबरिंग जब आप कर रहे थे तो याद रहे कि क्योंकि हमने नाइट्रोजनस बेसिस में जो नंबरिंग करी थी वो 1, 2, 3 कर दी थी ऑलरेडी, याद है कि नहीं है? तो कार्बन में या सुगर में उस नंबरिंग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे जो नंबरिंग की जाती है वो प्राइम में की जाती है। याद रहे कि द नंबरिंग इन द सुगर ये 1, 2, 3 नहीं होता। अगर आपने सुगर में नंबरिंग 1, 2, 3 कर दी, इसका मतलब कि आप साइंटिफिकली गलत जा रहे हैं। आपको जब भी नंबरिंग करनी होगी तो देखिए 1', 2', 3', 4' एंड 5' करनी है, और इसीलिए जब भी आप डीएनए के एंड की बात करते हैं तो वहां पे 5' मेंशन होता है या 3' मेंशन होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कार्बन के प्रेजेंस को बता रहा है सुगर पे। अगर आप जैसे ही मेंशन करते ना 5' फॉस्फेट, इसका मतलब है कि इस पांचवें नंबर ऑफ कार्बन पे जो ग्रुप जुड़ा है वो है फॉस्फेट। और जैसे आप ये लिखते हैं डीएनए में 3' OH,
इसका मतलब है कि इसके थ्री प्राइम नंबर वाले जो कार्बन है उस पर जो ग्रुप जुड़ा है वो है OH. That is kind of जो nomenclature आप शो करते हैं. ये जो प्राइम है वो एक्चुअली में क्या दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है कि शुगर के किस कार्बन की बात हो रही है. प्राइम का मतलब ये कि ये शुगर की बात हो रही है, ठीक है. तो जब भी यहाँ पे प्राइम नंबरिंग शो की जा रही है इसका मतलब प्राइम का मतलब है कि शुगर के नंबरिंग की बात हो रही है, क्योंकि 1, 2, 3 आपने नाइट्रोजन स्पेस में यूज कर लिया था. तो देखिए नंबरिंग एक बार फिर से, यूरेनेज स्ट्रक्चर है, 5 एटम 4 कार्बन, नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये नंबरिंग. दूसरे नंबर का जो अगर ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, दूसरे कार्बन पे OH अगर है तो वो हो जाता है राइबोज, लाइक दिस वन. इफ द सेकेंड वन, सेकेंड प्राइम पे, याद रहे कि अगर सेकेंड प्राइम पे OH है तो ये होता है राइबोज, और अगर सेकेंड प्राइम पे H है, H का मतलब ऑक्सीजन गयो, डी ऑक्सी हो गया, तो ऐसे को बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज. आप डी ऑक्सी राइबोज जब भी लिखे तो उसको मेंशन कर सकते हैं 2' डी ऑक्सी राइबोज. इसका मतलब है कि जो डी ऑक्सी पोजिशन है वो 2 से गया हुआ है. डी ऑक्सी 3' भी हो सकता है और उसका अंतर बदल जाएगा. इसीलिए जब भी आप डीएनए में जो राइबोज प्रेजेंट होता है ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि इट इज अ 2' डी ऑक्सी राइबोज है. 3' कर देंगे तो फिर वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. डी ऑक्सी राइबोज वो भी होगा, अगर मैं 2 की जगह 3 से हटा दूं तो भी डी ऑक्सी ही है, लेकिन वो डी ऑक्सी राइबोज डीएनए में 3' वाला प्रेजेंट नहीं होता. जो प्रेजेंट होता है वो 2' होता है, क्योंकि अगर आपने 3' से जो है वो ऑक्सीजन को हटा दिया तो फिर वो चाहे डीएनए हो या आरएनए कहीं प्रेजेंट हो ही नहीं सकता. उसके पीछे कहानी है, अभी थोड़ी देर में समझ. तो शुगर्स के बारे में मैंने काफी इन्फॉर्मेशन आपको शो किया कि शुगर्स जो होते हैं वो पहली बात तो 5 कार्बन के बने हुए शुगर से राइबोजेस होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में फ्यूरोनोज बनाते हैं, और फ्यूरोनोजेस जो होते हैं वो बीटा डी राइबोजेस से बने होते हैं. बीटा फॉर्म का मतलब है साइक्लिक फॉर्म में OH ग्रुप का ऊपर होना, और इसके पीछे भी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है. क्यों है ये सब बात करेंगे. अगर OH नीचे होगा ना तो सब कुछ बदल जाएगा और पॉसिबल भी नहीं होगा. इसका ऊपर होना ही जो है जरूरी है. रीजन बीइंग दैट क्योंकि यही जो आपका एनोमेरिक OH ग्रुप है यही बाइंड करता है किससे, नाइट्रोजनस बेस. यही बाइंड करता है नाइट्रोजनस बेस. तो नाइट्रोजनस बेस अगर ये OH अल्फा की तरह नीचे होगा ना तो हिंड्रेंस बहुत क्रिएट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर पॉसिबल बहुत कम होता है. अल्फा का होना पॉसिबल है ही नहीं, रीजन बीइंग दैट स्टेरिक हिंड्रेंस. इसीलिए जो शुगर में पाया जाता है वो सिर्फ बीटा पाया जाता है, और बीटा जो है वो ऊपर की तरफ है ताकि हिंड्रेंस को मिनिमाइज किया, जिसके अभी चर्चा करेंगे धीरे धीरे आपको समझ. तो ये शुगर्स राइबोजेस और डीऑक्सीराइबोजेस. राइबोज का मतलब सेकेंड प्राइम पे OH और डीऑक्सीराइबोज का मतलब सेकेंड प्राइम पे H. थर्ड प्राइम पे भी जो है H हो सकता है, लेकिन वो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में या आरएनए में प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड प्राइम OH का जो इंपॉर्टेंस है वो कुछ अलग है, और वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना. अगर ये नहीं होगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ये कहानी जो है. तो शुगर्स में जो मैंने आपको बताया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये थी. थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं शुगर्स. तो शुगर्स के बारे में जब आप इन्फॉर्मेशन देखते तो जैसा मैंने बताया कि इसमें जो है 5 कार्बन का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज 5 कार्बन पेंटोजेस. अब इन 5 कार्बन के स्ट्रक्चर में जो है वो फ्यूरोनेजेस, इनको आप बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर को, क्या बोलते हैं, फ्यूरोनोज बोलते हैं. ये फ्यूरोनोजेस जो होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं. जैसा कि नाइट्रोजनस बेस में आप देख रहे थे कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो प्लेनर होता है, जबकि फ्यूरोनोजेस जो होते हैं या सुगर्स जो होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं, और यही नॉन प्लेनर जो होता है पकरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 3D स्ट्रक्चर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल. अब वॉट इज दिस पकरिंग, अब बात करते हैं 3D स्ट्रक्चर्स क्या है. तो 3D इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजनस बेस में जो कार्बन थे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में थे. नाइट्रोजनस बेस में जो कार्बन थे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में थे, एंड दैट्स वाई वो जो है वो प्लेनर फॉर्म में थे, एंड इसी वजह से आप उसको क्या बोल रहे थे, प्लेनर. लेकिन इन द केस ऑफ शुगर,
सुगर में सारे के सारे कार्बन, आप जरा से स्ट्रक्चर को देखो, इसमें सभी कार्बन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, हर कार्बन चाहे दूसरे नंबर का कार्बन हो, तीसरे का हो, चौथे का हो, सभी चार सिंगल बॉन्ड से, इवन पांचवा वाला भी जुड़ा है, ठीक है, सभी जो है वो चार अलग अलग जो है, या काइरल हो या ना हो अलग बात है, लेकिन चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। तो जब चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आप शो करोगे इन द केस ऑफ सुगर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, सुगर में जो हाइब्रिडाइजेशन शो करोगे वो आप sp3 शो करोगे, और sp3 का हमेशा स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल शो किया जाता है या नॉन प्लेनर हो जाता है, एंड इसी वजह से सुगर जो है वो नॉन प्लेनरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वही नॉन प्लेनरिटी जो है वो पकरिंग करवाता है। चलिए देखते हैं, तो टू बेसिक कॉन्फॉर्मेशन पाए जाते हैं पकरिंग के लिए, और वो है एक एनवेलप और ये है ट्विस्टेड, ठीक। एनवेलप मतलब वही कहानी कि आपने सुना होगा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे, लाइक दिस वन। आपने अगर कभी जीमेल का लोगो देखा होगा तो कुछ इस तरीके का जीमेल है, ये चिट्ठी का लोगो होता है, मतलब मेल बॉक्स। एक्चुअली एनवेलप स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है, लेकिन इसका उल्टा फॉर्म, अगर मैं इसी एनवेलप को जो है उल्टा ड्रॉ करूं लाइक दिस वन, ठीक है, तो इसी एनवेलप को जो है बहुत सिंपल, अगर एनवेलप को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, ये एनवेलप उल्टे तरीके से। अब ये एनवेलप जो आप देख रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो आपके सुगर में पाए जाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों की एनोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ट्विस्टेड, और ट्विस्टेड कैसा काम करता है जरा समझते हैं दोनों के ऊपर। फिलहाल के तौर पे बात करते हैं कि ये दोनों कॉन्फर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉन प्लेनरिटी है, और इस वजह से हर एक पर्टिकुलर जो कार्बन है वो अलग अलग एंगल और अलग अलग प्लेन में होते हैं, सारे कार्बन एक ही प्लेन में होते नहीं। अगर आप नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो हर एक जितने कार्बन थे सभी के पास डबल बॉन्ड था, तो सभी एक ही प्लेन में प्रेजेंट थे। जैसे अगर मैं इस तरीके से एक प्लेन अपने हैंड को बोलूं तो सभी कार्बन एक ही प्लेन में थे, लेकिन पता लगा कि इन द केस ऑफ सुगर एक यहाँ बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है, एक जो है फ्रंट है, एक बैक है, तो सभी का जो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है वो सेम हो भी सकता नहीं, भी एक प्लेन में है ही नहीं, नॉन प्लेनर, इसी वजह से ये पकरिंग बनता है। पकरिंग का मतलब 3D स्ट्रक्चर, और उसके दो बेसिक कॉन्फर्मेशन एनवेलप और ट्विस्टेड। एनवेलप फॉर्म में चार मेंबर को प्लेनर होते हैं, ठीक है, इन द एनवेलप फॉर्म 4 मेंबर आर द को प्लेनर एंड द 5th इज अवे फ्रॉम द प्लेनर। चार मेंबर जो होते हैं वो को प्लेन में होंगे, लेकिन पांचवा जो है वो अवे फ्रॉम द प्लेन होते हैं। अब पांच मेंबर कहां से आए, पांच कार्बन की बात हो रही है, और उन्हीं के ऊपर जो है चर्चा करने की कोशिश करेंगे, पर फिलहाल के तौर पे आ जाएगा। ट्विस्टेड फॉर्म में 3 मेंबर प्लेनर होते हैं, मतलब एक प्लेन में होते हैं, एंड द टू आर अवे फ्रॉम द प्लेन, यही कहानी है। एनवेलप में एक मेंबर जो होता है वो अवे फ्रॉम द प्लेन होता है, और ट्विस्टेड में 2 मेंबर अवे फ्रॉम द प्लेन होते हैं, और वो कहानी जो है फिर लेके जाते। अब इसमें C2 C3 की कहानी आती है। C2 और C3 कार्बन जो होते हैं, याद रहे C2 और C3 कार्बन जो होते हैं, यही दोनों एटम जो होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, और यही डिटरमाइन करते हैं कि वो एंडो पकरिंग है या एक्सो पकरिंग है, और इन्हीं का प्लेसमेंट ही एक्चुअली बिलो और अबव द प्लेन होता है या अवे फ्रॉम द प्लेन होता है। बाकी के मेंबर का अवे और बिलो प्लेन का ज्यादा मतलब होता नहीं, उसके पीछे रीजन समझेंगे। C3 इंडो के कुछ एग्जांपल्स होते हैं RNA ZDNA RNA-DNA हाइब्रिड, C2 इंडो का BDNA होता है, और डिफरेंट पकरिंग जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर में ये पकरिंग का जो है स्ट्रक्चर पॉसिबल कैसे है। बहुत आसान है, कुछ दिक्कत की बात नहीं। जब भी आप सुगर को समझेंगे तो देखिए, सुगर में C1 C2 C3 C4 और C5 ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स। अब इस पूरे साइक्लिक स्ट्रक्चर में सभी का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसा है, वो है sp3। अब इनमें से चार एक प्लेन में हो सकते हैं, या तो 3 एक प्लेन में हो सकते हैं। अगर चार एक प्लेन में है तो वही होता है एनवेलप, अगर 3 एक प्लेन में है और 2 आउट ऑफ द प्लेन है तो वो ही होता है ट्विस्टेड। सवाल समझिए एक बार फिर से,
अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये है ऑक्सीजन, इसके बाद ये है कार्बन नंबर वन, फिर इसके बाद ये है कार्बन नंबर टू, ये है कार्बन नंबर थ्री, ये है कार्बन नंबर फोर और ये कार्बन नंबर फाइव। इसमें टोटल फाइव एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। अब इस फाइव एटम्स की जब हम तुलना करते हैं तो इसमें तीन एटम जो हमेशा प्लेन में होंगे, देखो ये और ये तीनों एटम को मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो हमेशा प्लेन में होंगे, ये तीन दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज इन द प्लेन, चाहे एनवलप हो या ट्विस्टेड हो, ठीक है। तो इन तीनों का अगर सिर्फ ये तीन जो है, अगर दीज थ्री इन प्लेन, अगर सिर्फ ये तीन प्लेनर में है या प्लेन में है तो बाकी के दो जो होंगे वो नॉन प्लेनर होंगे, एक अबव होगा एक बिलो होगा, तो वो कहानी हो जाती है किसके लिए, ये होता है ट्विस्टेड के लिए, ठीक है, ट्विस्टेड की कहानी हो जाएगी। अगर जब मैं यही आर्किटेक्चर बात करूं कि सी वन सी टू सी थ्री एंड सी फोर एंड हियर सेम स्ट्रक्चर अगर फिर से ड्रॉ किया, सी वन सी टू सी सी टू सी थ्री एंड सी फोर, अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान दें, अब इनमें से टोटल पांच एटम्स में से ये तीन तो इसमें भी प्लेनर ही रहेंगे, मतलब एक ही प्लेन में रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अब एक और मेंबर प्लेनर हो जाएगा। अब या तो वो मेंबर जो प्लेनर हो सकता है वो आपका कौन सा हो सकता है, दैट इज सी थ्री हो सकता है या तो सी टू हो सकता है। तो अगर चार मेंबर जो है वो प्लेनर में है, मतलब एक प्लेन में है, अगर फोर मेंबर को प्लेनर है तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है एनवेलप, दैट्स द केस। जब तीन मेंबर है तो ट्विस्टेड, चार मेंबर है तो वो है आपके एनवेलप। अब समझिए जरा सा कि जब तीन मेंबर जो है वो आपके प्लेनर में है तो दो मेंबर जो है वो कैसे होते हैं, वो दो मेंबर आउट ऑफ द प्लेन, और दोनों मेंबर जो है आउट ऑफ द प्लेन में हमेशा अपोजिट प्लेन में होंगे। मतलब एक अगर यहाँ पे C2 की बात करें, C2 अगर अबव द प्लेन है तो C3 बिलो द प्लेन होगा, या C3 अगर बिलो द प्लेन, C3 अबव द प्लेन है तो C2 बिलो द प्लेन होगा। तो ये कहानी होती है कि इसी से बनता है कि अगर C2 एंडो होगा तो C3 एक्सो होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं, आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे, एक अगर एंडो की तरफ जा रहा है तो दूसरा एक्सो की तरफ, ठीक, और अगर C2 जो है वो एक्सो की तरफ जा रहा है तो C3 एंडो की तरफ, तो C3 C2 अगर एंडो की जगह एक्सो हो जाएगा तो C3 जो है वो एंडो हो जाएगा। तो जब दोनों दो एटम जो है वो क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, सी टू और सी थ्री दोनों आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर ट्विस्टेड होते हैं, और ट्विस्टेड स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल है, बहुत ही कम देखने को मिलेगा, रीजन बीइंग दैट स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस। इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, सिर्फ आप देखोगे इसको नीचे से देखने की कोशिश करोगे तो ये तीनों एक प्लेन में नजर आएंगे, अब ये दोनों जो है अबव और बिलो द प्लेन हो सकते हैं। दिखाते हैं अभी इसको ट्विस्टेड वाले, चलिए देखिए, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, जो शुगर आपने देखा था, ठीक है, तो शुगर का स्ट्रक्चर जो था वो कुछ ऐसा था, ये था सी वन, ये था सी टू, ये था सी थ्री, ये था सी फोर, ठीक है, बाकी को भूल जाओ अभी। अब इसमें जो है देखिए तीनों को एक प्लेन में रखा हूं, सी वन ऑक्सीजन और सी फोर को, ठीक, तो जैसे ही आपने यहां पर रखा एक प्लेन में, दैट इज सी वन ऑक्सीजन और सी फोर को आपने एक प्लेन में रख दिया, ठीक है, ये तीन ही एटम एक प्लेन में हो सकते हैं, बाकी के एटम एक प्लेन में नहीं हो सकते, यही कहानी बेसिक तौर पे है। तो अब इसी को समझना है आपको, मैं यहां पे रख रहा हूं, देखिएगा सी फोर ऑक्सीजन और सी वन एक प्लेन में है, अब इस एक प्लेन इधर से जो है वो सी फाइव जुड़ा रहेगा, इधर से जो है बाकी जुड़े हैं, ये तीन एक प्लेन में, अब सी टू और सी थ्री आउट ऑफ द प्लेन होंगे लेकिन दोनों सेम साइड पे नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे यहां से सी टू को इधर की तरफ रखता हूं तो सी थ्री बाहर की तरफ होगा लाइक दिस, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है सी टू सी फोर और सी वन के बीच में अंदर की तरफ भाग रहा है, इधर से सी फाइव आप मेंशन कर सकते हैं, इधर से नाइट्रोजनस, ये जो स्ट्रक्चर है इन स्ट्रक्चर के बीच में सी टू अंदर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोलोगे सी टू एंडो, लेकिन सी टू एंडो हो रहा है सेम से टाइप पे
C3 बाहर की तरफ भाग रहा है, C3 एक्सो है। इस स्ट्रक्चर की कहानी सो हो रही है कि आप जब देखेंगे तो इसमें तीन ही एक प्लेन में है, और वो तीन कौन से है, ये देखिए तीन एक प्लेन में है और जो है दो आउट ऑफ द प्लेन है, C2 और C3। ये ट्विस्टेड है, देखिए ट्विस्ट है, एनवलप जैसा फील नहीं दे रहा है। सिमिलरली दूसरा भी हो सकता है कि आप देखिए फिर से अगेन C5 को लीजिए, इससे C4, फिर ऑक्सीजन और C1, इधर नाइट्रोजनस बेस जोड़ दीजिए आपने। ये एक प्लेन है C1O4, जो कि मैंने बताया कि ये जो है एक प्लेनर है, तीन तो एक प्लेन में रहेंगे, लेकिन दो अब एक प्लेन में नहीं है। अब दो एक प्लेन में नहीं है तो यहाँ पे C2 एंडो की तरफ था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से C3 एंडो की तरफ हो, और जब C3 एंडो की तरफ होगा तो C2 बाहर की तरफ होगा लाइक दिस, और जब इस तरीके से होगा तो C3 एंडो कहलाएगा और C2 एक्सो कहलाएगा। बहुत कॉमन सी बात है कि जब दो एटम या दो कार्बन आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, इसका मतलब ट्विस्टेड है। सीधी सी बात है कि C2 एक्सो C3 एंडो हो या C3 एंडो C2 एक्सो हो, तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों फॉर्म ही ट्विस्टेड फॉर्म है, या जब टू एटम आउट ऑफ द प्लेन, जब दो एटम आउट ऑफ द प्लेन है तो ये ट्विस्टेड फॉर्म है, ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं एनवलप की, तो उसमें दो एटम आउट ऑफ द प्लेन नहीं होते, वो सेम प्लेन में होते हैं। अब उसमें जो है चार एटम एक प्लेन में रहेंगे और सिर्फ वन एटम आउट ऑफ द प्लेन होगा, और वो कैसा नजर आएगा, चलिए यही पे ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसी चारों एटम में से देखिए, सबसे पहले इधर तो कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 4, फिर ऑक्सीजन और फिर कार्बन नंबर 1 और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन। ये स्ट्रक्चर तीन प्लेन को सेम प्लेन में रखा हुआ है ना? इसमें जो है वो तीन जो है वो सेम प्लेन में है, लेकिन तीन नहीं होने चाहिए अगर एनवलप की बात कर रहे हैं, कितने होने चाहिए, कम से कम जो है वो चार होने चाहिए। तो जब चार होने चाहिए तो मैंने इसी लगभग यहाँ पे शो करा C2 उसी प्लेन में, ठीक है। और अब C3 कुछ ऐसा होगा लाइक दिस, ये देखें, तो ये स्ट्रक्चर में देखिए चार एटम सेम प्लेन में है, C1, C2, O और C4, सिर्फ एक ऐसा एटम है जो आउट ऑफ द प्लेन है, वो है C3, और C3 जो है वो दोनों स्ट्रक्चर के एंडो में भाग रहा है, बाहर नहीं भाग रहा है, एंडो भाग रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे C3 एंडो, क्या बोलेंगे, C3 एंडो। सिर्फ एक एटम है जो कि आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है, वो है C3, और वो अंदर की तरफ गया एंडो, और वही बाहर की तरफ भी भाग सकता है लाइक दिस वन। अगर मैं यही स्ट्रक्चर बोलू C5, C4, ऑक्सीजन, C1, नाइट्रोजनस बेस, इसमें जो है C2 को आपने सेम प्लेन में रखा हुआ है और यहां से कुछ C3 को बाहर भेज दिया लाइक दिस, देखिए तो ये C3 एक्सो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C3 एक्सो। लेकिन जब भी आपके केसेस देखने को मिलते हैं वो एंडो ज्यादा फेवरेबल होता है, तभी वो एनवलप जैसा फील देगा। अगर आप इसको देखोगे तो ये एक ऐसे लेयर एनवलप, एक ऐसा लेयर, और ये C3 कुछ ऐसा जगह, देखिए कुछ C3 यहाँ पे है, C4 यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, C1 यहाँ पे, और एक यहीं पे कुछ इस तरीके से चल रहा है, एंड दिस इज ये एनवलप जैसा नजर आ। तो एनवलप स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल क्योंकि उसमें सिर्फ एक एटम जो है वो अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है। अब C3 जैसे इंडो हो सकता है, वैसे C2 भी तो इंडो हो सकता है ना भाई। तो जैसे देखिए यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, या तो तीन एटम इन द प्लेन और द फोर एटम, तीन एटम को बनाया, दिखाया, समझाया कि उसमें जो है स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा था इसलिए कम स्टेबल। अब चार एटम में या तो C2 का आउट ऑफ द प्लेन हो या तो C3 आउट ऑफ द प्लेन हो। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए चार एटम एक प्लेन में है कि नहीं है, यू कैन आइडेंटिफाई C1', ठीक, उसके बाद 2', देन 1', 2', ऑक्सीजन एंड 4', ये चार एटम एक प्लेन में है, और एक जो है वो आउट ऑफ द प्लेन भाग रहा है, वो है 3', एंड द 3' वो अंदर की तरफ भाग रहा है बेस और C5 से, तो ये होगा है C3 एंडो। यहाँ पे जो आउट ऑफ द प्लेन है वो C3 है,
यहाँ पे जो आउट ऑफ द प्लेन है वो कौन सा है? C3 है, मतलब जो प्लेन से बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1, 0, 3 और 4 जो है वो एक प्लेन में है, और जो प्लेन के अंदर या एंडोफॉर्म में जा रहा है वो कौन सा है? 2 प्राइम। दिस इज द C2 एंडो। ठीक, सिमिलरली ऐसी कहानी भी हो सकती है कि 4 एटम प्लेन में है, देखिए 1, 2, 4 ऑक्सीजन एंड 4 चार एटम प्लेन में, लेकिन एक एटम आउट ऑफ द प्लेन 3, लेकिन वो एंडो नहीं है, वो बाहर की तरफ है तो एक्सो है, लेकिन ये रेयर फॉर्म है। यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ है तो एंडो है। तो दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो पॉसिबल हो सकता है, एक्सो एंडो जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो ओवरऑल दीज आर पॉसिबल बिकॉज C1, C2, C3, C4 एंड ऑक्सीजन 4 ये चारों के चारों कैसे है? sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये तीनों चारों हाइब्रिडाइजेशन में से C1O C4 एटलीस्ट जो है एक प्लेन में तो रहेगा रहेगा। अगर सिर्फ 3 है तो ट्विस्टेड, 4 है तो एनवलप। अब उसमें से C2 या C3 कोई एक जो है आउट ऑफ द प्लेन होगा, और उसमें एक्सो या एंडो दोनों हो सकता है, मोस्टली जो स्टेबल है वो है एंडो। समझ में आया ये कहानी? यस सर। यस सर, बोली देना आप। अब C3 एंडो के एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन यहां से आता है कि C3 एंडो कहां पाया जाता है? RNA में। C3 एंडो कहां पाया जाता है? ZDNA में। C3 एंडो कहां पाया जाता है? RNA-DNA हाइब्रिड में। जबकि C2 एंडो, अब देखो C3 एंडो और C2 एंडो, आप ये बताओ जो दोनों फॉर्म में यहां शो कर रहा हूं ये ट्विस्टेड है कि एनवलप्ड है? अरे एनवलप्ड फॉर्म है ना, जब सिर्फ एक ही एंडो शो कर रहे हैं, मतलब एक ही एटम की पकड़िंग हो रही है ना, एक ही एटम जो है आउट ऑफ द प्लेन भाग रहा है। अगर दो एटम होते तो दो एटम होता तो सीधे समझ जाते कि वो ट्विस्टेड था। यहाँ पे एक ही एटम या तो C3 है या तो C2 है, C2 वाला BDNA में होता है और C3 वाला जो है वो बाकी सभी स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो ये डिफरिंग पकड़िंग जो है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। कितने लोगों को ये पकड़िंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि है क्या? एनीबडी? यस सर। ओके, सुप्रतिम को आया? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, थैंक यू। तो पकड़िंग इज नथिंग, जस्ट कि वो जो बाकी के एटम्स है उसमें से कितने प्लेन में है और कितने आउट ऑफ द प्लेन है। अब हम बात करते हैं कि मैंने नाइट्रोजनस बेस और सुगर को तो बताया, अब नाइट्रोजनस बेस और सुगर मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेस सुगर के किस कार्बन से जुड़ता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 1 प्राइम। से ग्रेट, 1 प्राइम। सिर्फ 1 बोलेंगे या 1 प्राइम बोलेंगे? 1 प्राइम। ठीक है, तो जब सुगर का मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस से जुड़ जाए, जब सुगर का मॉलिक्यूल नाइट्रोजनस बेस से जुड़ जाए तो वही बना देता है क्या? न्यूक्लियोसाइड। उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। आई रिपीट, यहाँ पे टाइड नहीं है, यहाँ पे एस है, न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोसाइड का मतलब सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड का मतलब यहाँ पे सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस और सुगर जब मिल जाए तो आपका न्यूक्लियोसाइड बनता है। सुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक। अब एन ग्लाइकोसिडिक, ओ ग्लाइकोसिडिक, ये सब कुछ बॉन्ड्स बनते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में भी आप देखेंगे, बट स्टिल यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कि हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स क्यों बोलते हैं। फिलहाल के तौर पे नाइट्रोजनस बेसिस लाइज अबव द सुगर प्लेन। जो आप सुगर का भी प्लेन देख रहे थे पकड़िंग वाला, उसके ऊपर ही रहता है, क्योंकि सुगर एक प्लेन में है, उसमें भी पकड़िंग है। आप सोचो अगेन कहानी आ गई कि अगर सुगर में जो अल्फा स्ट्रक्चर होता जनाब, आपको पता है अगर ये स्ट्रक्चर में मैं अल्फा शो करता तो पहले प्राइम पे जो ग्रुप शो करता OH नीचे, और बीटा में ये OH जो है वो होने चाहिए आपके ऊपर।
तो आप सोचिए कि अगर ये वाला प्लेन ऑलरेडी एनवलप ट्विस्टेड कर रहे हैं और अगर OH ऑलरेडी नीचे होता तो क्या नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आसानी से बाइंड कर पाएगा या स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा? फील करेगा, क्योंकि भाई C2 और C3 एंडो और एक्सो चल रहे हैं ना, यही दोनों तो जो है आउट ऑफ द प्लेन हो रहे हैं। लेकिन अब इसको जब OH रखे रहोगे तो C2 एंडो हो या C3 एंडो हो या एक्सो हो, उसका नाइट्रोजनस बेस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस अब इस प्लेन के ऊपर ही है। तो आसानी से इस जो है प्राइमरी, जो कह सकते हैं कि फर्स्ट प्राइम का OH है, उससे बाइंड कर सकते हैं। तो नाउ यू आर गेटिंग कि वाई बीटा राइबोसेज आर प्रेफरेबल रादर देन अल्फा डी। समझ में आ रहा है कुछ कुछ जनाब, कि क्यों बीटा को प्रेफर किया जाता है? ठीक, ताकि जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो सुगर का जो प्लेन होता है उसके ऊपर रह सके, स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए। कॉन्फिगरेशन ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज वेरी स्टैंडर्ड, मतलब जैसा नॉर्मली बनता है वैसा ही होता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने एक सुगर को शो किया है, एक फ्यूरनोज रिंग है 5 मेंबर का, जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, हेट्रोसाइक्लिक मेंबर है। पहले प्राइम पे जब हम बात करते हैं तो पहले प्राइम के कार्बन से ही आपका जुड़ता है, दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस। और इनके बीच में जो ये सी होता है कार्बन, ऑक्सीजन और ये होता है एन। याद है कि जो जब किसी भी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है अगर सी का ओ के साथ होता है तो ऐसे को बोलते हैं, जैसे किसी अमीनो एसिड में या कहीं पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जैसे सेरीन हो गया, इसके साथ अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जुड़ता है तो आप उसको बोलते हैं कि वो है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक। लेकिन कई सारे जगहों पे जहां पे जैसे NH2 ग्रुप है, N है, तो यहाँ पे अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जुड़ता है तो इसको बोलते हैं N लिंक। और यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वो नाइट्रोजन से बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन जैसी कोई चीज नाइट्रोजनस बेस में होती ही नहीं है, या तो कार्बन होता है या तो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन से जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है कंडीशन बनती है, और पॉसिबल भी वही है। बहुत कॉमन सा लॉजिक है कि इसके पास है OH, और आपको पता कि अगर फर्स्ट प्राइम की बात की जाए तो उसके पास OH, और O के पास जो होता है वो बेसिक सेंस क्या बनता है कि ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव, राइट। इसी तरीके से नाइट्रोजन है, जहां पे नाइट्रोजन के पास जो है अब क्या होता है कि यहाँ पे लोन पेयर है, क्योंकि ये भी रिंग में है, तो ये जो है अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, और इस तरीके से जो इनके बीच का लिंकेज है बनने की संभावना बन जाती है। तो दैट्स वाई जो नाइट्रोजन है वो इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। अब सवाल आता है कि नाइट्रोजन जो है वो कौन से नंबर का नाइट्रोजन जो है इन्वॉल्व होता है, यूरिन का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने के लिए, या कौन सा जो है वो आपके जो है पिरिमिडीन का इन्वॉल्व है। अब देखिए कि यहाँ पे जो सुगर है वो आपने बीटा फॉर्म शो किया, और जो लिंकेज है वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसीलिए इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को बोला जाता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। बीटा का मतलब OH ऊपर की तरफ है और एन का मतलब नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ठीक। अब सवाल ये है कि जब प्यूरिन होता है तो प्यूरिन का जो नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, प्यूरिन का जो नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है वो होता है N9। N9 ऑफ द प्यूरिन एक्चुअली में जुड़ता है C1 प्राइम ऑफ द राइबोसोम, ठीक, या डीऑक्सीराइबोसोम। जबकि पिरिमिडीन की जब हम बात करते हैं तो पिरिमिडीन का N1 होता है जो कि C1 प्राइम की जुड़ता है। ये बहुत ध्यान रखना, पूछा जाता है कि प्यूरिन का कौन सा जो है नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है N9, और पिरिमिडीन का N1। तो पिरिमिडीन का N1 और प्यूरिन का N9 जो है वो बॉन्ड बनाता है। अब N9 बनाएगा तो ये जो है स्मॉलर रिंग वाला पार्ट है, अब बल्कियर रिंग जो है वो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइड, इसके बेसिस पे जो है न्यूक्लियोसाइट के 2 कन्फर्मेशन भी देखने को मिले। तो सुगर और नाइट्रोजनस बेस जिस लिंकेज से जुड़ते हैं वो है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये जो है नाइट्रोजनस बेसिस सुगर के प्लेन से उबर होते हैं, रीजन बीइंग दैट कि स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज किया जा सके। अब सवाल आता है कि जितने भी न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो एक सिंगल बॉन्ड है। अगर आपने देखा होगा तो ये जो बॉन्ड बनता है ये एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो है। अब जब ये सिंगल बॉन्ड है
तो इसके अलॉन्ग जो ये आपका नाइट्रोजनस बेस है वो रोटेट हो सकता है कुछ इस मैनर में। अब जब ये रोटेट हो सकता है तो इसके बेसिस पे जो है कॉन्फिग्रेशन पाए जाते हैं, बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल। तो जो बॉन्ड रोटेशन होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अलाउ द बेस रोटेशन, जो बेसिस है वो घूम सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे घूम सकते हैं उसके। तो उसके लिए दो कॉन्फिग्रेशन होते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है सिन और दूसरा होता है एनटी। अब ये सिन और एनटी का जो नॉमेनक्लेचर है वो सिस और ट्रांस जैसा भी आप समझ सकते हैं, लेकिन सिस और ट्रांस नहीं रखा जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब सिन और एनटी का बेसिक मतलब क्या है, तो पिरिमिडीन जो होते हैं उसमें मोस्टली एनटी कॉन्फॉर्मेशन होते, सिन कॉन्फॉर्मेशन पिरिमिडीन में नहीं होते क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जबकि प्यूरीन में सिन और एनटी दोनों हो सकते हैं। सिन सिर्फ जो है आपके प्यूरीन में पाया जा सकता है, पिरिमिडीन में पाया जाने की संभावना उसकी बहुत कम है, उसके पीछे रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। ओके चलो, अचानक से जो है सिस्टम की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। कहां पे थे हम पढ़ लो, प्यूरीन पिरिमिडीन। ओके सुनाई दे रहा है ना कि वो भी गायब हो गए? यस सर। तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोसाइट के कॉन्फॉर्मेशन के लिए, और ये कॉन्फॉर्मेशन जो है वो सिन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है। अब सवाल आता है कि ये सिन और एंटी की कहानी कैसे चल रही है। तो सिन और एंटी में जो कॉन्फॉर्मेशन है उसमें जो है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि सिन कॉन्फॉर्मेशन प्यूरीन में होता है, पिरिमिडीन में नहीं हो सकता स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है चलो आगे वापस, लेट्स टॉक अबाउट दैट न्यूक्लियोसाइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ऊपर बात कर रहे थे हम। एक बार फिर से मैं बता दूं कि वी वर डिस्कसिंग द सिन और एंटी कॉन्फॉर्मेशन, हम सिन और एंटी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। फिलहाल के तौर पे जो है सिन और एंटी कॉन्फॉर्मेशन में दो तरीके के जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं सिन और एंटी में। तो प्यूरीन में सिन और एंटी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन पिरिमिडीन में जो है सिन और एंटी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एंटी होता है। सिन होने के चांसेस एकदम मिनिमम होता है, उसके पीछे रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस का, और वो स्ट्रक्चर से आपको सीधे समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो ये है आपका राइबोज का स्ट्रक्चर। अब इस राइबोज के स्ट्रक्चर में ये देखिए, पहला प्राइम है, ये सेकेंड प्राइम है, और ये थर्ड प्राइम, और ये फोर्थ प्राइम है। ये आपके फोर प्राइम को जो है वो सूट किया जा रहा है। अब इन चारों प्राइम में देखा जाए तो ये देखिए नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, और वो नाइट्रोजन नंबर 9th है, ठीक। अब इनमें ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसी के अलॉन्ग रोटेशन जो है वो हो रहा है, इसी के अलॉन्ग जो है रोटेशन है आपका पॉसिबल। अब रोटेशन तो हो रहा है, अब रोटेशन के लिए जो ये बल्की ग्रुप है, दिस बल्की ग्रुप एज यू कैन सी हियर, ये जो बल्की ग्रुप है वो जब ऑक्सीजन के करीब है, जब बल्की ग्रुप इज नियर साइड द ऑक्सीजन, तो आपका जो ये बल्की ग्रुप आप शो कर सकते हैं, ये बल्की ग्रुप ऑक्सीजन के करीब है, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं सिन। यहां पे देखो इनके बीच में इतनी ओवरलैपिंग नहीं होती, या इतना स्पेक्ट्रल ओवरलैप या ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं है कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही ना हो। पॉसिबल होता है, भले ही जो एंटी वाला स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होता है, सिन वाला स्ट्रक्चर थोड़ा लेस स्टेबल होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है प्यूरीन के केस में, ठीक है। अब प्यूरीन का सिन का मतलब ये है कि ये बल्कि और ये ऑक्सीजन सेम साइड में, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ कि ये वाला जो बल्की ग्रुप आप देख रहे हैं, बल्की साइकिल रिंग, ये और ऑक्सीजन सेम साइड में है, तो ये हो गया सिन। लेकिन अब ये देखिए ऑक्सीजन और ये बल्की रिंग जो है वो सेम साइड में है या अपोजिट साइड में, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो है वो अपोजिट साइड में, और जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे, ये इधर नाइट्रोजन है, इनके बीच में हिंड्रेंस ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, ज्यादा होगी या कम होगी? लेस है तो स्टेबिलिटी मोर होगी। तो दोनों पॉसिबल, सिन भी पॉसिबल है और
एंटी भी पॉसिबल, एंटी का मतलब ये ऑक्सीजन और ये बल्की ग्रुप अपोजिट साइड पे है, राइट। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि ये जो है वो आपके केस बन रहा है किसमें, एंटी और अपोजिट। अब सवाल आता है, जब प्यूरीन में तो दोनों पॉसिबल है, सिन और एंटी जैसा मैंने बताया, लेकिन पिरिमिडीन में बड़ा पंगा फंसता है। पिरिमिडीन में पहले एंटी देखिए, एंटी का मतलब ये जो ऑक्सीजन है पिरिमिडीन में, देखिए जिस नाइट्रोजन से जुड़ता है वो है आपका वन, ठीक। अब इसमें कोई दूसरा ग्रुप तो है नहीं, तो फिर सिन और एंटी का कॉन्फिगरेशन कैसे समझा जाए, तो वो होता है सेकेंड प्राइम के ऑक्सी ग्रुप से। ये जो सेकेंड प्राइम का ऑक्सी ग्रुप होता है उससे समझता है, सेकेंड प्राइम का ऑक्सी ग्रुप और दिस ऑक्सी। तो जैसे आप देखेंगे तो सेकेंड प्राइम का ऑक्सी और ऑक्सीजन ये दोनों अपोजिट साइड में है। जब ये दोनों अपोजिट साइड में होंगे तो आप इनको क्या मेंशन करेंगे, ये अपोजिट साइड में होंगे तो यू कैन से दैट कि दीज आर द एंटी कॉन्फॉर्मेशन, और एंटी है तो स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होगी, रीजन बीइंग दैट कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है कम दूर दूर है। लेकिन जरा सा समझिए जनाब, जैसे ही ये ऑक्सीजन इधर आ गया सेकेंड और फर्स्ट प्राइम जो है, यहाँ फर्स्ट प्राइम है, फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइम हम नाइट्रोजन स्पेस में नहीं शो करेंगे, हम प्राइम जो है कार्बन के लिए शो करते हैं, तो उस हिसाब से ध्यान रहे, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, ये सेकेंड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस सुगर का। अब इन दोनों ऑक्सीजन के पास जो होते हैं लोन पेयर होते हैं, वो भी दो दो लोन पेयर। अब आप बताओ ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों का नेगेटिव चार्जेस है दोनों के पास। अब दोनों के पास नेगेटिव चार्जेस है तो क्या लोन पेयर रिपल्सन होगा यहाँ पे? अरे दोनों नेगेटिव एक दूसरे को रिपल्स, देखो कितने करीब है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन होता है, और ये रोल पेयर रिपल्सन इतना स्ट्रांग होता है कि ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं देगा। ये ऑक्सीजन इधर आया तब तक ये ऑक्सीजन यहाँ सुगर वाला ऑक्सीजन कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये जो रोटेशन करके आप इधर घूमे हैं ये पॉसिबल नहीं है, आप अपना एंटी में ही चले जाइए। तो पिरिमिडीन में सिन स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, ये बनता ही नहीं, स्टेबिलिटी की तो बात ही छोड़ दो, बनता ही नहीं। तो क्या समझाया मैंने, प्यूरीन में सिन और एंटी दोनों बन सकते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा लोन पेयर की रिपल्सन नहीं होती, ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन इन द केस ऑफ सिन कॉन्फिगरेशन ऑफ पिरिमिडीन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग ऑफ द लोन पेयर, जिसकी वजह से हिंड्रेंस इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए तो प्यूरीन के लिए, प्यूरीन का मतलब एडिनीन और गुआनीन के लिए सिन भी पॉसिबल है और एंटी भी पॉसिबल है, ठीक। लेकिन जब आप पिरिमिडीन की बात करते हैं इसका मतलब साइटोसिन और थाइमिन और यूरासिल के लिए ओनली एंटी पॉसिबल है, सिन का पॉसिबल होना लगभग नामुमकिन। समझ में आ गया? Yes, sir. ये क्या था, न्यूक्लियोटाइड था या न्यूक्लियोसाइड था? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के बाद न्यूक्लियोटाइड का बनना बहुत जरूरी है, और न्यूक्लियोटाइड में दो कंपोनेंट मैंने पढ़ा दिए, नाइट्रोजनस बेस और सुगर। सुगर जो है वो काइरलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, पकरिंग के लिए भी हमने वो भी देखा, नाइट्रोजनस बेस भी देखे। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करते, न्यूक्लियोटाइड आर द फॉस्फोरिक एसिड एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। मतलब सुगर जब नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है तो ये बनाते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड, ये होता है न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ट्रिपल माइनस, ये जो है जैसे ही फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ता है तो ये हो जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, मोनो न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, डाई न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, या ट्राई न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं कई सारे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, NMP मिले, NPDP मिले, न्यूक्लियोटाइड डाई फॉस्फेट हो जाए या न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट। MP, DP और TP का मतलब है मोनोफॉस्फेट, ड्राई फॉस्फेट या
ट्राइफॉस्फेट। अब फॉस्फेट कितने हैं, एक है, दो है या तीन, डिपेंड करता है। तो अब ये तीन फॉस्फेट्स में से अल्टीमेटली बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलके बनाता है न्यूक्लिक एसिड, और वही न्यूक्लिक एसिड बनते हैं डीएनए और आरएनए। यही तो आप समझ रहे थे, ये पूरा स्ट्रक्चर चलता है। अब न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है फॉस्फेट का जुड़ना जरूरी है। याद रहे कि फॉस्फेट जिस कार्बन ऑफ सुगर से जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस जो जुड़ रहा था सुगर के 5-1 प्राइम कार्बन से जुड़ रहा था, अब फॉस्फेट जो जुड़ता है वो भी सुगर पे ही जुड़ता है, और सुगर पे ही जुड़ता है 5 प्राइम कार्बन के साथ। नाइट्रोजन सुगर यानी सेंटर मॉलिक्यूल के जैसा, एक तरफ फॉस्फेट से जुड़ेगा और एक तरफ नाइट्रोजनस बेस। तो फॉस्फेट जो जुड़ता है वो कार्बन नंबर 5 प्राइम पे जुड़ता है ऑफ सुगर, कैन बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड 5 प्राइम फॉस्फेट। मतलब न्यूक्लियोसाइड जो था सुगर और नाइट्रोजनस बेस के, उसके 5 प्राइम लेवल पे जब फॉस्फेट जोड़ा जाएगा तो वही हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड 5 फॉस्फेट। सीधी सी बात, वेरिएशन जैसे मैंने बताया कि मोनोफॉस्फेट भी हो सकते हैं, डाइफॉस्फेट भी हो सकते हैं, ट्राइफॉस्फेट्स भी हो सकते हैं, मतलब एक फॉस्फेट, दो या तीन फॉस्फेट्स भी हो सकते हैं। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर, ये आपका एक नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ था किस कार्बन प्राइम से, पहले प्राइम से। दूसरे प्राइम के पास अगर OH ग्रुप है तो राइबोज होगा, H होगा तो डीऑक्सीराइबोज होगा। तीसरे प्राइम के पास भी OH है, फोर्थ प्राइम यहाँ पे रहा, और इसके बाद ये रहा देखिए फिफ्थ प्राइम। अब इस फिफ्थ प्राइम ऑफ द कार्बन को जब आप देख रहे हैं जो कि रिंग से बाहर होता है एक्चुअली में, और पहले वाले के पास OH यहाँ पे होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाइट्रोजनस बेस भी अबव द शुगर प्लेन होगा। नाइट्रोजनस बेस भी अबव द शुगर प्लेन था और फॉस्फेट भी अबव द शुगर प्लेन, यानी शुगर प्लेन के ऊपर ही दोनों है, नाइट्रोजनस बेस एक साइड पे, दूसरे साइड पे फॉस्फेट। अब फॉस्फेट जो है अबव द शुगर प्लेन के लिए पांचवा वाला जो कार्बन है वही होता है, क्योंकि प्लेन में तो यही जो है एक पूरा का पूरा रिंग आता है, जो ये वाला कार्बन है पांचवा वाला वो ऑलरेडी ऊपर अबव द प्लेन होता ही है, तो इससे अब जुड़ता है फॉस्फेट। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को देखोगे तो जैसे एक बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड ओ सी, इसको नॉर्मल शब्दों में आप एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ सी नहीं है, यहाँ पे पी डबल बॉन्ड ओ सी है, लाइक दिस वन, एंड दिस बॉन्ड शुड बी कंसीडर्ड एज फॉस्फो एस्टर। अगर कार्बन होता फॉस्फेट की जगह तो एस्टर हो जाता, लेकिन फॉस्फेट है इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। जब भी COP का बॉन्ड बनता है, COP डबल बॉन्ड हो, COP जिसको कॉप बोलते हैं, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, COP कॉप, तो ये होता है आपका फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, COP। नाउ ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड जब एक फॉस्फेट जुड़ा है तब यहाँ पे एक ही फॉस्फेट है PO4 ट्रिपल माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे PO4 ट्रिपल माइनस में तीन माइनस में ये इस तरीके से फॉस्फेट है मोनो, तो आप इसको मोनोफॉस्फेट बोलते। जब एक सुगर से पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, पांचवे कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ जाए तो नाइट्रोजनस बेस सुगर और फॉस्फेट मिलके कहलाता है न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड 5' फॉस्फेट, ये कहानी जो है वो बनती है। एंड एग्जैक्टली यहाँ पे तीनों कंडीशन आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वही सुगर है, पहले प्राइम पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ सकता है। अब बेस चाहे तो प्यूरीन हो या बेस चाहे तो पिरिमिडीन हो, ये आप देख लीजिएगा। अब प्यूरीन जब होगा तो वो अपने 9th नंबर के पोजीशन से जुड़ेगा और पिरिमिडीन के फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट नाइट्रोजन से, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपको। जो लिंकेज होगा वो होगा ग्लाइकोसिडिक, और अगर मैं इसके और स्पेसिफिक बात करूं तो दिस इज बीटा एन ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर की तरफ रहेगा और नाइट्रोजन से जो है बॉन्ड बन रहा है तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक। अब सेकंड पे या तो OH होगा तो राइबोज, H होगा तो डीऑक्सीराइबोज। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन से जो है अब यहाँ पे जुड़ता है आपका ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस। अब एक फॉस्फेट जब जुड़ रहा है तो वो होता है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अगर दो जो है आपकी मोनोफॉस्फेट हो गई, अगर दो फॉस्फेट जुड़ रहे हैं तो वो हो जाते हैं डाइफॉस्फेट, अगर तीन फॉस्फेट हो जा रहे हैं तो ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर होता है,
फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये होता है पी डबल बॉन्ड ओ ट्रिपल माइनस पी, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं, या तो आप बोलिए एफ पी पी ओ फोर बोलिए, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। अगर इसमें से तीनों हाइड्रोजन निकाल देंगे तो फॉस्फेट आ जाता है पी ओ फोर ट्रिपल माइनस, क्योंकि तीन हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो या ये लिखिए या ये लिखिए, और वो ऐसे नजर आता है अगर आयनिक फॉर्म में होगा तो, या अगर इसको लिखोगे तो यहाँ पे OH 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 लिख दोगे। तो नॉर्मल फ्री फॉस्फेट के पास तीन आयन्स होते हैं जब कोई फॉस्फेट फ्री है तब, लेकिन जैसे ही वो एक आयन से बॉन्ड बना लेगा, एक ऑक्सीजन से देखो जुड़ गया, तो उसके पास जो एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके बाद बचे दो नेगेटिव आयन, अब दो बन जाएंगे अगर मोनोफॉस्फेट, लेकिन फिर एक ऑक्सीजन से दूसरा फॉस्फेट जुड़ गया तो वो भी आयन गया। तो इसीलिए जो इंटरमीडिएट फॉस्फेट्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज बचता है, और जो फाइव कार्बन से सबसे पहला फॉस्फेट जुड़ा है ये फॉस्फेट कहलाता है अल्फा फॉस्फेट, इसके बाद जो दूसरा फॉस्फेट जुड़ रहा है वो कहलाता है बीटा फॉस्फेट, और फिर लास्ट में जो जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है गामा फॉस्फेट। अब अल्फा और बीटा बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे ये वो जो बॉन्ड है वो है सी ओ पी वाला बॉन्ड है, दैट इज द सी ओ पी, एंड दिस बॉन्ड इज द फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये जो है वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, लेकिन यहां पे जो बॉन्ड देख रहे हैं वो है पी ओ पी है, नॉट द सी ओ पी, दिस इज पी ओ पी, इनके बीच में अल्फा बीटा के बीच में, उसके बाद बीटा और गामा के बीच में भी है, इसको बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या कहलाता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, वैसे ही बीटा और गामा के बीच में पी ओ पी। अगर आप ध्यान दें तो अल्फा फॉस्फेट के, अगर ट्राई फॉस्फेट है तो अल्फा फॉस्फेट के पास एक नेगेटिव, बीटा के पास एक नेगेटिव और गामा के पास दो नेगेटिव, इसीलिए गामा को जब रिलीज किया जाता है तो गामा वाले जो रिलीज फॉस्फेट होते हैं वो ज्यादा एनर्जी कैरी करते हैं, एंड दैट्स वाई ये जो यहाँ पे POP फॉस्फेट्स है, इस बॉन्ड को जब बीटा और गामा को जो इनके बीच में बॉन्ड होता है हाई एनर्जी बॉन्ड बोला जाता है। ATP और ADP की कहानी आपने सुनी होगी, जब ATP टूटता है तो यही बॉन्ड टूटता है एक्चुअली में, गामा फॉस्फेट ही निकलता है और काफी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है, ठीक। इसलिए बीटा और गामा के बीच वाला जो बॉन्ड होता है उसी बॉन्ड को बोला जाता है हाई एनर्जी बॉन्ड, हाई एनर्जी बॉन्ड मतलब टूटेगा तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। तो ये जो है वो न्यूक्लियोटाइड मोनो डाई ट्राइफॉस्फेट को एक ही साथ समझाया गया है, मोनो होगा तो एक फॉस्फेट, डाई होगा तो दो फॉस्फेट, ट्राई होगा तो तीन फॉस्फेट, मोनो होगा तो अल्फा, डाई होगा तो अल्फा और बीटा दोनों, और ट्राई होगा तो अल्फा बीटा गामा तीन, ये कहानी, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के फंक्शंस के ऊपर बात किया जाए तो जैसा आपको पता ही है, अभी मैं शुरुआत यही से किया था कि न्यूक्लियोटाइड ही पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और वही जाके न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं, और पॉली न्यूक्लियोटाइड्स या जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। सवाल आता है कि द प्रिकर्सर्स ऑफ मेनी कंपाउंड्स इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में काम करते हैं, बहुत जगहों पे जो है ये काम करते हैं, प्रिकर्सर का काम करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जब पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। इनके फंक्शंस में एनर्जी करेंसी, कमाल की बात है कि अक्सर जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स लोग समझते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, कि अरे कार्ब्स एनर्जी सोर्स है, कार्ब्स एनर्जी सोर्स है, और है भी, लेकिन कार्ब्स इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द एनर्जी, एनर्जी न्यूक्लियोटाइड होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, लोगों को बहुत इलॉजिकल लगता, मतलब बहुत अजीबोगरीब लगता है, लोगों को लगता है कि शुगर खाओ एनर्जी बढ़ाओ, ग्लूकॉन डी पियो एनर्जी बढ़ाओ, लेकिन एनर्जी का सोर्स जरूर ग्लूकॉन डी, ये प्रोटीन फैट्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी डायरेक्ट ग्लूकॉन वो है ही नहीं, जो एक्चुअली में एनर्जी है वो भी न्यूक्लियोटाइड ही है, दैट इज एटीपी जीटीपी, ये सब क्या है न्यूक्लियोटाइड्स। प्रिकर्सर्स फॉर मेरियस कोएंजाइम जैसे एनएडी प्लस एफएडी, जो कि एनर्जी में ये दोनों प्रिकर्सर यूज होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे बोलते हैं एनएडी और एफएडी, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। एंड प्रिकर्सर फॉर वेरियस सेकेंडरी मैसेंजर जैसे सीएमपी सीडीएमपी, ये सब भी जो है न्यूक्लियोटाइड के काम है। तो ये सभी के सभी क्या है न्यूक्लियोटाइड्स है, और न्यूक्लिक एसिड की तो बात ही छोड़ दो, वो तो है ही बड़े
खतरनाक डीएनए फॉर्म में हो या आरएनए फॉर्म में हो, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगी करेगी। सो दैट्स वाई ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये सब जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कितनी इसेंशियल है हमारे जनरल पर्पज। और इस न्यूक्लियोटाइड्स में आपने देखा भी कि कैसे एक नाइट्रोजनस बेस है, एक सुगर है और तीन फॉस्फेट जो है वो जुड़े हुए हैं और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। अगर आप एटीपी की बात करें तो एटीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि सेल का एनर्जी करेंसी माना जाता है। एटीपी के पास जो है या तो फॉस्फेट डोनेट करने की प्रोबेबिलिटी होती है या तो पायरोफॉस्फेट डोनेट करने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि एटीपी में नाम ही है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे देखिए एडिनिन जुड़ा हुआ है और तीन फॉस्फेट है, टीपी है, तो देखिए अल्फा फॉस्फेट भी होगा, बीटा फॉस्फेट भी होगा और गामा भी होगा। तो सवाल आता है कि जब एडिनिन और सुगर जुड़ेगा तो ये एक न्यूक्लियोसाइड बन जाता है एडिनोसिन। अब ये एडिनोसिन से तीन फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो आप उसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड दैट इज नोन एज एटीपी। अब एटीपी में से अगर ये बॉन्ड टूटेगा बीटा और गामा के बीच का तो गामा फॉस्फेट निकलेगा, सिर्फ एक फॉस्फेट निकलेगा। तो अगर सिर्फ गामा फॉस्फेट निकलता है तो आप उसको बोलते हैं सिर्फ एक फॉस्फेट रिलीज हो। लेकिन अगर गलती से या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अल्फा और बीटा के बीच वाला जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड टूट सकता है, और अगर ये टूटे इन क्योंकि तो यहाँ पे दो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी, हो सकता है कि बीटा और गामा के बीच वाला बॉन्ड टूटे तो सिर्फ एक फॉस्फेट निकलेगा, और हो सकता है कि अल्फा और बीटा वाला यहां से टूटे तो ये दोनों फॉस्फेट निकलेंगे बीटा और गामा एक साथ। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, जिसको बोला जाता है पीपीआई, इसमें बीटा फॉस्फेट और गामा फॉस्फेट दोनों एक साथ रिलीज होते हैं, दैट इज द पायरोफॉस्फेट। ये कंडीशन जो है एटीपी दोनों के लिए कर सकता है, मतलब एटीपी डायरेक्टली एक बार सिर्फ गामा फॉस्फेट को रिलीज करेगा तो दो फॉस्फेट इसके पास बचे रहेंगे तो आप उसको एडीपी बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, अगर एटीपी है जिसके पास तीनों फॉस्फेट है अल्फा बीटा गामा, अगर ये सिर्फ जो है गामा फॉस्फेट को रिलीज कर रहा तो इसके पास अभी दो फॉस्फेट बचे हुए तो उस कंडीशन में ये कहलाएगा एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अल्फा और बीटा के साथ। लेकिन अगर इसने किसी सिचुएशन में डायरेक्टली जो है वो पीपीआई को रिलीज कर दिया दैट इज पायरोफॉस्फेट यानी बीटा और गामा दोनों को, तो इसके पास अब सिर्फ एक फॉस्फेट बचा है वो भी अल्फा, इसीलिए आप इसको बोलेंगे एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये कंडीशन आप बहुत पढ़ते होंगे एटीपी एडीपी एएमपी, ये तीनों के तीनों जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत यूज है और वो सभी न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं। एटीपी के पास जो है एक एडिनोसिन है और तीन फॉस्फोरल ग्रुप्स जो आप देख पाए, और फॉस्फेट्स जो होते हैं अल्फा बीटा और गामा में डेजिग्नेटेड होते हैं जैसा मैंने बताया, और हाई एनर्जी बॉन्ड जो पाया जाता है वो गामा फॉस्फेट ग्रुप में जो है प्रेजेंट होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, सो यू कैन सी हियर आल्सो, ये देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के पास यहाँ पे पहला अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, यू कैन हाईलाइट दिस वन। ये जो बॉन्ड है या ये जो फॉस्फेट है वो कौन सा फॉस्फेट है, दैट इज योर अल्फा। दूसरे फॉस्फेट को आप रिलेट कर सकते हैं, ये है बीटा, ठीक है, और तीसरे फॉस्फेट को आप रिलेट कर सकते हैं दैट इज गामा। अब इनमें से अगर एक निकला दैट इज गामा अगर निकल भी गया, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा एडीपी बचे, जिसमें क्या रहेगा अल्फा और बीटा। तो ये देखिए अल्फा है और बीटा है, ये कहानी आपके साथ बन जाती है एडीपी। तो ये सब सिंपल चीजें हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाँ किस फॉस्फेट से कितनी एनर्जी, कौन से जो है पायरोफॉस्फेट रिलीज के लिए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो ये चीजें आप देख सकते हैं और ये चलता रहता है। एडीपी को पीआई से जोड़ देंगे तो एटीपी बना देगा, और एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देंगे तो एडीपी प्लस पीआई बना देगा। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर जो आपको देखने को मिलता है कि जब एडीपी को पीआई से जोड़ते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से तो एटीपी बना देते, और जब एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो एडीपी प्लस पीआई बना देता है, और जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है टूटता है तो लगभग यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज करता है वो है -7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये है इसका
एनर्जी, इतनी एनर्जी जो है एटीपी की हाइड्रोलिसिस में रिलीज होती है, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट जो आप देखते हैं, ठीक। तो अल्टीमेटली दिस इज द फाइनल टेबल जो आपने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेस को पढ़ा है। और सिंपल शब्दों में बात करें तो जब नाइट्रोजनस बेस अकेले हो, जब नाइट्रोजनस बेस क्या हो, अकेले हो, जब नाइट्रोजनस बेस के साथ सुगर अभी नहीं जुड़ा है या बाकी चीजें नहीं जुड़ी, तो प्यूरीन में आप उसको बोलते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल या थाइमिन। ये जो कहानी है वो है आपके बेसिस की, जब सिर्फ बेसिस को बोलना हो। लेकिन अगर वही नाइट्रोजनस बेस अगर साइड्स बन जाए, मतलब अब नाइट्रोजनस बेस जो है वो सुगर से जुड़ गया, तो एडिनिन को आप एडिनिन नहीं बोलोगे, इसके सफिक्स में जुड़ जाता है, जो प्यूरीन होते हैं उनके सफिक्स में आप जोड़ोगे सील या ओसील। क्या जोड़ना है आपको? ओसील। जैसे देखिए एडिनिन अब हो जाएगा एडिनोसील, गुआनिन हो जाएगा गुआनोसील। तो आपने जो है बड़े इंटरेस्टिंग, मैं हाईलाइट कर रहा हूं टर्म्स को, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पे जो है एडिनिन है तो ये आई एन ई है ना, आई एन ई को हटा देंगे, अब वहां पे हो जाएगा ओसील, ओ एस आई एन। तो एडिनिन से अब एडिनोसिन हो जाएगा, गुआनिन से आई एन ई को हटा के क्या रखना है, ओसिन रख देना है, तो गुआनोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड की कहानी है, वो एडिनिन हो जाएगा एडिनोसिन, गुआनिन हो जाएगा गुआनोसिन। मतलब जब नाइट्रोजनस बेस सुगर से जुड़ जाएगा तो आप सिर्फ एडिनिन नहीं बोलेंगे, आप एडिनोसिन बोलेंगे, गुआनिन नहीं बोलेंगे, गुआनोसिन बोलेंगे, ठीक। सिमिलरली इन द केस ऑफ साइटोसिन, यहाँ पे जो आई एन ई आप देख रहे हैं, ठीक है, या यूरासिल की बात करते हैं, ठीक है, या थाइमिन की बात करते हैं। अब इनमें जो होते हैं आप ओसिन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, दिख रहे हैं, इनमें तो आपने ओसिन जोड़ दिया, साइटोसिन में है ओसिन, अब इसमें दोबारा ओसिन कैसे जोड़ सकते हैं, इसलिए यहां पे जो टर्म यूज किया जाता है वो ओसिन नहीं है, वो है इडीन, ठीक है। अब ओसिन को हटाना है, ठीक, अब ये ओसिन को हटाया, वहां पर जोड़ दिया इडीन। तो साइटोसिन जो कि सिर्फ फ्री फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस को कहते थे, जैसे सुगर से जुड़ जाएगा वो हो जाएगा साइटिडीन, या यूरासिल में से आप फिर बोलेंगे यूरिडीन, या थाइमिन को बोलेंगे थाइमिडीन। आपने यहां पे क्या जोड़ा, दैट इज इडीन। तो यहां पे जो सफिक्स हो गया वो इडीन। न्यूक्लियोसाइड में या तो आप जो ईन है, याद रहे कि ईन को आप ओसिन में जोड़ देते हैं फॉर प्यूरीन, और इडीन जोड़ देते हैं फॉर पिरिमिडीन, ठीक है। पिरिमिडीन में क्या है, इडीन ही तो है ना, और वही जोड़ना होता है, ठीक। तो इडीन जोड़ दिया, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन। अगर ऐसे टर्म लिखे जा रहे इडीन के साथ, तो मतलब ये न्यूक्लियोसाइड है, ये नाइट्रोजनस बेस नहीं है। ओसिन अगर है प्यूरीन में तो ये क्या है, ये भी साइड है। अब साइड के साथ इनको जोड़ा जा सकता है फॉस्फेट में, इसीलिए आप न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट बोलते थे, फाइव प्राइम फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट समथिंग। तो अब इसमें होता है आइलेट, जो सफिक्स आप यूज करेंगे वो सभी में आइलेट यूज करेंगे। जैसे देखिए यहां पे एडिनिन में से इन को हटा के अब जो सफिक्स यूज करना है वो दोनों में ही आइलेट, सभी में, प्यूरीन हो या पिरिमिडीन, आइलेट यूज करना है। एडिनिन या एडिनोसिन जैसे फॉस्फेट के साथ भी अब आ गया, मतलब नाइट्रोजनस बेस भी है, फिर उसके बाद सुगर भी है, और फिर फॉस्फेट भी है, तीनों आ गए, तो अब एडिनिन बिकम्स एडिनोसिन इन द न्यूक्लियोसाइड, एंड एडिनोसिन बिकम्स एडिनाइलेट। अब जो सफिक्स आप जोड़ेंगे वो है आइलेट, ये है एडिनाइलेट, गुआनाइलेट, साइटिडाइलेट, यूरिडाइलेट या थाइमिडाइलेट। आगे बस आइलेट आप जोड़ दीजिए इसमें, कहानी की है। और मोनोफॉस्फेट पे होगा तो एएमपी, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी, सीएमपी, सीडीपी, सीटीपी, एंड दिस इज, ये कहानी है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की। एंड होपफुली कि यहां तक का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया हो। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। एनी डाउट? नो सर।